सर आपके निर्देशन में एक नई फिल्म का शुरुआत हुआ है जी, अनपढ़ दूल्हा बीए पास में, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से मोनू जी और फिल्म की जो हीरोइन है, हीरोइन क्या रोमांस तड़का लगाएंगे, क्या समझ रहे हैं? रोमांस है, हिसाब से है, अच्छा है, और जहाँ तक फिल्म है तो फिल्म भी बहुत अच्छी है। और अनपढ़ दूल्हा बीए पास में हरी, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो जो अगर थोड़ी सी कम शिक्षा है तो आपको इस नज़र से देखेंगे कि आपको लगेगा कि यार हम कितना मतलब बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं। उसी तरीके से लड़कियाँ जो हीरोइन हैं इस फिल्म में, वो भाई पढ़ी लिखी हैं, हाई फाई हैं, और पूरा जिंदगी जीवन शहर में ही बिता चुकी हैं, और जो दूल्हा हैं, जो हीरो हैं, भाई गांव के हैं, देसी लुक में हैं। तीन लोगों को लग रहा है कि भाई ये लोग अनपढ़ हैं, ये लोग कमार हैं, क्या जानेंगे, तो जो देसी आदमी है, जो अनपढ़ है, वो उनको अच्छे से सबक सिखाता है हीरोइन जी को कि भाई देसी आदमी क्या कर सकता है, अनपढ़ आदमी क्या कर सकता है, पढ़े लिखे से भी ज़रूरत पड़ने पर बात व्यवहार में तगड़ा पड़ता है, शिक्षा में सब कुछ पढ़ाई से नहीं होता है। कुछ ऐसी बात होती है जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है फिर भी पढ़े लिखों के भी मार देता है बात करने में। और बाकी चीज़ तो हमारे रंजीत भैया हैं, और एक तरीके से हमारे भाई हैं, गुरु समान हैं, और स्टोरी यही लिखे हैं, हमसे ये बेहतर ये बताएंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे मोनू जी, और जो इसमें रोमांस का तड़का, देसी रोमांस का तड़का लगाएंगे कि देसी और विदेशी का दोनों के सामने? पहले तो श्रोतागढ़ को मेरा प्रणाम, मैं रंजीत सिंह राइटर। ये फिल्म जो है पूरी तरह से पारिवारिक और सामाजिक है, और दो बच्चियां हैं जो शहर में पढ़ती हैं और अच्छे परिवार से हैं, मुखिया की लड़की हैं, और फिल्म में दोनों लड़के जो हैं अनपढ़ हैं, वो गांव के हैं और वो एक पान वाले के बेटे हैं, जो पान की दुकान है वो गरीब हैं। लेकिन लड़कियां जब आती हैं गांव में तो जानते हैं कि गांव में उनको शहर का रहन सहन जो है और वहाँ का सोच अलग होता है, गाँव का अलग होता है। अब यहाँ पर वो अपनी सोच को तो चेंज नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ का पारंपरिक चीज़ें और जो है यहाँ का रहन सहन, यहाँ का विचार अलग होता है, उनको एक्सेप्ट करने में उनको थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये लड़के दोनों इनको सिखाते हैं पूरे फिल्म में कि हमारी गांव की परंपरा क्या है, अगर आप जीत पर अड़ेंगी तो प्रॉब्लम होगा, यानी कि आप हमारे गाँव के परम्परा को संभालिए, अगर इसको एक्सेप्ट करिए, और उसको एक्सेप्ट करने में और संभालने में ही पूरी फिल्म आपको निकल जाएगी, और उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, उसमें आप इंजॉय भी कर सकते हैं, कॉमेडी भी इसमें बहुत भरपूर पड़ा हुआ है। जैसे इसमें एक कॉमेडी रिक्शा वाला है, आप जब उसे देखेंगे तो आपको इतनी हंसी आएगी, तो आप एकदम खुश हो जाएंगे, पूरी फिल्म में आप हंसते हंसते आपका पेट में दर्द हो जाएगा। और इसमें एक टीचर हैं जो वो भी बहुत कॉमेडी करते हैं, और मतलब वो एक मैडम है उनके पीछे, वो परेशान रहते हैं पूरी फिल्म में। तो ये फिल्म पूरी तरह से कॉमेडी और पारिवारिक है, और एक्शन भी है इसमें, बहुत अच्छा एक्शन भी है। हीरो का रोल इन्होंने निभाना है, तो मोनू जी के लिए एक्शन भी करना है इसमें, और मारधाड़ भी है क्योंकि इसमें पहलवानी भी है, तो मोनू जी को पहलवानी भी करनी पड़ेगी। यानी पूरी फिल्म बहुत मस्ती है और बहुत अच्छा, लोगों को मज़ा आने वाला है इस फिल्म में, और हट के है, यानी कि आप हिंदी भी कहिए और भोजपुरी भी कहिए, दोनों मिक्स है इस फिल्म में, और बहुत अच्छा लगेगा लोगों को, आप लोग जरूर इस फिल्म को देखें। मनोज जी, जैसे कि बताया जाए आप पहलवानी भी करते हैं और गांव देहाते वाला देसी रोमांस भी कर रहे हैं, तो क्या करें, कितना एक्साइटेड इस फिल्म को लेकर के? जो भी देख रहे हैं हमारे दर्शक, सबसे पहले सबको प्रणाम है, और इस फिल्म के लेकर के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डायरेक्टर जो अनिल सर हैं, और हमारे राइटर रंजीत भैया हमारे बड़े ही आदर्श रहे हैं, और बहुत पहले मैं आज मिल के बड़ा खुश हुआ रंजीत भैया से मुझे, कि बहुत दिन के बाद मिले, और काफ़ी रोमांचक फिल्म है, बहुत मज़ा आएगा इस फिल्म को लेकर के। मैं स्टोरी सुना हूँ, जहाँ तक मुझे लड़की को हासिल करने के लिए पहलवानी भी करना पड़ता है, अखाड़ा में लड़ना भी पड़ता है, और बहुत अच्छी मूवी है, जहाँ तक कि सबको अच्छा लगेगा देखने में, कॉमेडी, मारपीट, रोमांस, लव, सब कुछ है इसमें एकदम। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? जितने लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम, और जैसे कि हमारे सर बताए, धन्यवाद सर को कि जो इस फिल्म के लिए मुझे चुने, और
ये फिल्म को लेकर मैं भी बहुत खुश हूँ और वो तो करने के बाद पता चलेगा। जैसे कि ये मसला है कि देसी और पढ़ी लिखी, अनपढ़ और पढ़ा लिखा, तो जो रोमांस का तड़का होने वाला है वो आप पढ़ी लिखी स्टाइल में करेंगे, मोनू जी जो है देहाती? नहीं, वो तो हीरोइन तो पढ़ी लिखी है, हीरोइन पढ़ी लिखी है, अनपढ़ दुल्हा है, मतलब मैंने हम अनपढ़ स्टाइल में करेंगे, मोनू जी है अनपढ़। तो कितना रोमांस का तड़का लगने वाला है आप दोनों के बीच में? वो तो मूवी में पता चलेगा, नहीं तो ये आपको पता है तो फिर बताइए। कहाँ कहाँ रोमांस है सर? क्या चाहते हैं रोमांस के विषय में बताकर? बताया नहीं जा सकता, फिल्म बनने से पहले ही लोगों को विवाद में लाना चाहते हैं। पूरी बात हम यहाँ बता देंगे तो फिल्म का एंजॉय कौन करेगा? नहीं, अभी बता दिया जाए, रोमांस ऐसे होगा, रोमांस ऐसे हो जाएगा, कल सवाल हो जाएगा कि फिल्म बनने से पहले ही लोग बता रहे हैं कि इतना खतरनाक रोमांस है। भाई मुनु भाई पर बोलेंगे कि भैया इतना तगड़ा रोमांस करने वाले हैं भोजपुरी को देखते हुए, भोजपुरी में इतना अश्लील चल रहा है, उसके बावजूद भी फिर आगे हम लोग क्या करेंगे? में बहुत अच्छी फिल्म है, साफ सुथरी है, इसीलिए पारिवारिक है, सब जगह देख सकते हैं, फैमिली ड्रामा है, पारिवारिक है और बहुत अच्छा है, रोमांस भी है समाज को देखते हुए। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, ये अनपढ़ दूल्हा और बीए पास, तो आप इसमें क्या रोल निभाने वाले, किस तरह से हीरोइन सपोर्ट करने वाली है, बीच में रोमांस में आके खलल डालने वाली? अभी तो कुछ पता नहीं, बाकी जैसे जैसे सपोर्ट आएगा पूरा, तो जैसे जैसे हम लोग बताएंगे वैसे वैसे रोमांस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। आज मुहूर्त हुआ, मैडम क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश हैं, किस तरह से? बहुत ज्यादा खुश हूं, बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को? बता नहीं सकती, बता नहीं सकते, इतना खुश है बता नहीं सकते हैं। मोनू जी, इसमें जैसे आप सिंगर हैं और करोड़ों फैंस हैं, आपकी आवाज़ की सुनना चाहते हैं हमेशा, उनकी सभी रहती है, आपके गानों का इंतजार रहता है, इस फिल्म में कितने गाने आपकी आवाज़ की सुनना है? अभी तो ये फिल्म में गाने भी डिस्कशन अभी हुए हैं और जितने हमारे आवाज़ में शूट करेंगे जो मेरे साथ कैरेक्टर में होगा वो सारे गाने, हाँ, वो गाने मैं करूँगा। ऐसे कभी कभी तो कुछ गाने आपके बहुत ज़्यादा हिट हैं तो चाहेंगे उसको एक बार लोग फिल्मों में भी देखें, ऐसा भी कुछ? हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे कई ज़्यादा हिट मैं खुद दे दूँ इसमें, हाँ, ताकि ये और हिट बन जाए। सही बात है। इस फिल्म को लेकर कुछ मैसेज दर्शकों को मिलने वाला है? अब इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है कि जो आदमी गाँव का है और इतना गंवार है और पढ़े लिखे आदमी को, शहरी आदमी को सबक सिखा देता है कि जो कि मतलब पढ़े लिखे कैसे होते हैं और अनपढ़ लोग कैसे होते हैं, उनसे ज़्यादा सम्मान हम लोगों के अंदर भरा है, इससे बढ़ के मैसेज क्या हो सकता है? मैसेज यही जाता है कि अनपढ़ है तो इसको कम ना समझे, हाँ, कम मत समझिए, बस यही मैसेज है। चलिए, सबको दिल से लव यू, प्रणाम। हाँ ये रजनीश जी, अभी अभी जो है देखिए एकदम पूरा गांवटी लुक में देख रहे हैं, देहाती साफा बांध एकदम आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए, पर्चे आप बता दीजिए। मैं सबसे पहले एक रजनीश पाठक, आप सबको दिल से प्रणाम, और हम लोग फिल्म की मुहूर्त में है, अनपढ़ दुल्हा बीए पास मेहरी, मैं नाम आपसे शेयर कर दे रहा हूं ताकि इनको कष्ट नहीं हो, क्योंकि बहुत दूर से आए हुए हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे एक्टर हैं बाबूलाल जी, और हमारे साथ कई एक दो फिल्में इन्होंने किया भी है। अब आप बताइए आगे। बाबूलाल जी क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहा चाहतनी, दर्शक लोग से प्रणाम कर चाहतनी, और हम बड़ी दूर से आवतनी पंजाब से, तो हम ये आयल बनी कि चल गए हमारे प्रोड्यूसर बानी बप्पू सिंघानिया जी और ओम प्रकाश भाई जी बानी, पुराना दोस्त हैं, और फिल्म का मुहूर्त होता अनपढ़ दुल्हा बीए पास मेहरी, और वही में हम रजनीश पाठक बाबा साथ में हमारा काम कैले बनी, और आगे चल के और लालधारी जी बने कॉमेडियन, तो वो हमारे साथ में काम करी हैं, और सब कोई के तालमेल करके मिलजुल के हमनी के एकरा के आगे बढ़ाई सब हैं, तो और तो हम तो रउआ के प्रणाम कर चाहतनी भैया, बहुत दिन के बाद भेंट भइल है, हमनी के भेंट भइल है बॉम्बे पनवेल में, आ फिर आज भेंट भइल है जबा, अब भेंट होत रहे, हमेशा भेंट होते रही, तो और का कहे के बा, काहे की बात है कि जैसे आप लुधियाना पंजाब से चल के यहाँ चंदौली धरती आयल बने, तो कैसे लागल पंजाब और उनके दर्शक लोग का कहे चाहूरी जो ना यहाँ पे कैसे आयल आपको जो है, कितना अच्छा लगा था? पंजाब में तो हमनी के बहुत दिन तले काम कहीं जा, लेकिन पंजाब से बढ़िया हमनी के जवा करे में बहुत बड़ी मजा आवेला काम, हम पहले भी एक बार आई बनी ने, तो फिर काम करके गई नहीं, आ हमार सिंघानिया जी बानी, ओम प्रकाश भैया बानी, बाबा बानी, फिर यहाँ के तो बराबर भेंट होते रहेला, आ पंजाब वालों के ये संदेश चाहत नहीं दिल कि मर तड़ब हो जा झूठों के, अरे आवो
मस्ती से जा काम करो आ मजा लो बढ़िया से आगे बढ़ो लोग। हम तो ये कहे हमू आई बनी उतना दूर से तो आगे बढ़ाई खातिर आई बनी काम करब तबे बढ़ब। ओजा लोग के डायरेक्टर ओजा बाणन फुद्दू बनावे वाला लोग के बुर्बक बनाई हैं पैसा लूट ली हैं जब आके काम करब काम हो पैसों भेटाई अपन माटी में आव अपना माटी पाव। हाँ और हमारा भी संदेश है जहाँ से चाचा आए हुए हैं हम भी एक फिल्म वहाँ किए हैं तो उनको हमारा भी संदेश है कि सीखो आप सीखने की ज़रूरत है आपको अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। जो फिल्में कर रहे हैं एक लेवल की फिल्म किया जाता है प्रोफेशनल उसे बोलते हैं। जैसे अभी ये देखिए फिल्म का मुहूर्त हुआ हर आर्टिस्ट हर टीम हर लोग आए हैं पूरा समाज आया मीडिया आया हुआ है प्रोफेशनल तरीके से काम करने का एक अलग आनंद होता है और दूसरों पे उंगली उठाने से अच्छा खुद को झांक के देख लो कि आपकी कमी क्या है और लोगों की कमी क्या है। तो जैसे चाचा ने संदेश दिया ये तो वहीं रह रहे हैं ये तो रग रग से वाकिफ हैं तो इनका दर्द मैं समझते हुए मैं संदेश उनको ये देना चाहता हूँ जो भी हों फिल्म से जुड़े लोग कि भाई काम करो सम्मानित करो बुद्धिमान मत बनो लोगों का बुद्धि लो सीखो कैसे किया जाता है पहले सीखो तब बुद्धिमान बनो प्रोफेशनल तरीके में आइए। तो ये हमारा संदेश है भाइयों से बुरा मत मानिएगा क्योंकि इनका दर्द बयां कर दिया और इनका दर्द देखते हुए हमें कहना पड़ा बाकी हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। समझाता हूँ अपना समझता हूँ आप भी अपने हो चाहे लुधियाना के हों चाहे जहाँ के भोजपुरी समाज ही हमारा है। हाँ हमारे दर्शक ही हमारे भगवान हैं हमारा भोजपुरी समाज ही हमारा जीवन है। तो सबसे निवेदन है कि एक चीज़ अच्छा करिए नाम बड़ा करिए नाम कमाइए जब आप अच्छी चीज़ें करोगे तो नाम आपका अच्छा होगा गलत करोगे तो नाम गलत होगा। इसी के साथ हम लोग हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करते हैं। हाँ और हमारे साथ इस समय हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर पप्पू सिंघानिया जी और ओम प्रकाश चौधरी जी हैं आइए सरकार। तो हम चाहेंगे ये भी लुधियाना में से हैं वहाँ सब धंधा बिजनेस कारोबार सब वहाँ है तो मैं चाहूँ दो दो सब आप लोग भी कहिए। दर्शकों को प्रणाम और हम यह कहें चाल भैया कि जो लुधियाना के लोग हैं हाँ बहुत ही अच्छे हैं देखो मिलजुल के काम करने से बहुत तरक्की होगी और इंडस्ट्री में काम करोगे आप लोग ऊँचे लेवल पे और अच्छे अच्छे लोगों से मिलोगे और वहाँ आप लोग काम कर रहे हैं तरीका नहीं आप लोग के पास है और मतलब समझ नहीं है एक दूसरे के मतलब चढ़ाने पे चढ़ रहे हैं तो आपका नुकसान होगा और मार्केट पिक्चर का नाम खराब होगा ठीक है खराब ही हो रहा है। हाँ इस करके है कि आप लोग से विनती है कि आप लोग मिलजुल के काम करिए और सब अपने हैं कोई पराया नहीं है और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग अच्छे से मिल के काम करेंगे यही मेरी तमन्ना है ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हाँ मैं भुला गई कि हमारे डायरेक्टर अनिल राज जी के कुछ ना कहनी है बहुत बढ़िया आदमी हैं वहाँ के हाँ डायरेक्टर हैं बढ़िया काम कराई लिए सब कुछ से उनका व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार बहुत बढ़िया बा उनकर हमरा के बुला लेते नॉलेज भी बहुत उनका नॉलेज बहुत आगे अच्छा बढ़ी वहाँ के अच्छा और उनके उनका एक खासियत है मुस्कुराते रहते हैं हमेशा मुस्कुराते हैं तो बदामी मुस्की मारते हैं तो बहुत प्यारा लगता है। हमारे डायरेक्टर साहब को किसी की नज़र नहीं लगे हमारी ढेर सारी शुभकामना है हमारे प्रोड्यूसर हमारे डायरेक्टर और हमारे पूरे टीम को हर महादेव। कलकत्ता में जो लोग हैं जो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कलकत्ते में जो लोग हैं वो अच्छे हैं उनका विचार अच्छा है हम लोग साथ में बैठे हैं। अरे लालधारी भैया जी यही कहना चाहेंगे सब लोग मिलकर काम करें मिलकर। रजनीश पाठक जी आज फिल्म का मुहूर्त हुआ चंदौली बनारस की धरती पे क्या कहना चाहेंगे पूरा स्टार आर्टिस्ट सब जुड़े हुए हैं आप सब लोग जी। सबसे पहले तो मैं एक्टर रजनीश पाठक हाथ जोड़ के पूरे भोजपुरिया समाज को और जितने भी हमारे दर्शक हैं जितने हमें चाहने वाले हैं प्यार करने वाले हैं उन्हें दिल से प्रणाम है और धन्यवाद हमारी मीडिया को कहना चाहूँगा जो हमेशा से हमें प्रमोट करते आए हमारी फिल्मों को प्रमोट करते आए हुए हैं। और हम इस समय बनारस के चंदौली की धरती पे हैं महादेव का दरबार है तो फिल्म का मुहूर्त हुआ मोनू अलबेला जी हैं हीरो हमारा मोनू अलबेला जी का पहली फिल्म है साहब लालधारी जी तो हम लोग कई फिल्म साथ में कर चुके हैं
आज भोजपुरी में एकदम छाए हुए हैं साहब लाल धारी जी। अगर बड़े कॉमेडियन में नाम आता है तो साहब लाल धारी जी का नाम आता है। अरे नहीं, साथ में अमित भाई हैं, देखिए मैडम जी हैं, भैया हैं, सबको दिखाइए एक बार। और भैया हैं, वो भी भाई हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर पप्पू सिंघानिया जी हैं और ओम प्रकाश चौधरी जी हैं। तो फिल्म बहुत प्यारा है और ये है कि टीम सबसे बड़ी चीज़ होती है। टीम, आप कॉन्सेप्ट सारा चीज़ कर लीजिए, स्टोरी कास्टिंग सब कर लीजिए, जब टीम एक परिवार होके काम करता है तो उस काम का एक अलग निखार आता है, जो कि इस मुहूर्त में देखने के बाद महसूस हुआ। अभी बहुत से लोग आर्टिस्ट हैं नहीं आए, अयाज खान जी हैं इस फिल्म में, बहुत सारे लोग हैं। फिल्म बहुत प्यारा हो रहा बन रहा है, बनेगा मुझे विश्वास है, और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। साहिब लाल धार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि फिल्म का नाम ही एक काफ़ी है, मैंने फिल्म का नाम है कि अनपढ़ दुल्हा बीए पास मेहरी। तो एक मतलब आजकल जो ज़माना चल रहा है कि जो लड़के हैं पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, अगर नहीं पढ़ी रहती है जिसे लगता है कि बहुत पढ़ी लिखी हुई हैं। तो इस पर एक कहानी बनने जा रही है, तो इसका मतलब कुछ अलग होने वाला है। तो मोनू भैया इसके हीरो हैं, मैं उनके दोस्त का करेक्टर कर रहा हूं, कॉमेडी वाला। और इसमें तमाम अच्छे अच्छे जैसे आज भैया हैं हमारे रजनीश आदरणी भैया, मैं पाठक सर को मैं धन्यवाद कहूँगा कि मैं कई फिल्में साथ में किया हूँ, लेकिन मज़ा आता है जब साथ में मिलते हैं ना, तो जैसे लगता है कि मैं कई बार जब पैदा हुए थे साथ में हुए थे, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, लेकिन बस बोलने को बहुत कुछ होता है। तो बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है। इसके डायरेक्टर हमारे परमादरणीय अनिल सर हैं, अनिल भैया बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैंने उनके साथ दो फिल्में किया, बहुत अच्छा लगा मुझे करके उनके साथ। सबसे पहले सभी भोजपुरिया श्रोता लोगों को मेरा प्रणाम। और ये फिल्म है अनपढ़ दुल्हा गाँव, अनपढ़ दुल्हा बीए पास मेहरी। ये फिल्म बहुत ही अच्छी है और फिल्म एक पारिवारिक स्वरूप है, बहुत ही अच्छा है। क्या रोल कर रहे हैं इसमें आप? इसमें सर हम कर रहे हैं रोल विलन का, और हमारे रजनीश भैया जी हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, जिनके साथ में हमको भी मौका मिला है पहली बार काम करने के लिए, और लालधारी जी भी हैं। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम बिंदु है, बड़ों सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ। इस पिक्चर का नाम है अनपढ़ दुल्हा बीए पास मेहरिया। मेहरी तो इसमें क्या रोल कर रही हैं आप? जी अभी रोल तो नहीं मिला है, देखिए सर क्या करते हैं। तो कितना इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड, कितना खुश हैं जो फिल्म बनने जा रही है? जी अभी ये खुशी को कहा नहीं जाता है कि मैं कितना खुश हूँ। जी सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, कितना खुश हैं आप इस फिल्म का जो मुहूर्त हुआ है? आप लोग का दुआ है, आप हमको ये रोल दिए हैं, ये फिल्म के अंदर ये जो मलकिन बोली हैं इनका अल्फाज मेरे को समझ में आ गया है, मगर ये जो रोल करें हम बुड्ढे का रोल करूँ, हमको कोई भी रोल दो हम चाहिए, मगर हाँ कारण ये जब अनपढ़ का और ये दूल्हा है तब भैया हूँ उम्मीद कर रहा जी, मगर हमारे मलकिन के हमारे मलकिन आई फिल्म इनके खुशी में हमको जला जला के राग भी मिला दो, खुदा पूछे तो क्या जाओ जी। आइए बहुत सुंदर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहले मैं उन दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा जो इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, और बहुत मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पहली बार हमारे बड़े भैया साहब लाल धारी जी, हमारे रजनीश भैया, इन लोगों बड़े बड़े कलाकारों के साथ मौका मिला, माननीय प्रोड्यूसर पप्पू सिंघानिया सर मौका दिए हैं, उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज इतना खुश हूँ कि भैया कोई उसका कोई हिसाब ही नहीं है, इन जैसे कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस फिल्म का नाम है अनपढ़ दुल्हा बीए पास मेहरी, और दर्शकों से अनुरोध है कि इसको प्यार दुल्हा जरूर दीजिएगा। इसके एक्टर हैं मोनू और बेला जी, तो अपना प्यार दुल्हार बनाए रखिएगा, धन्यवाद। बहुत आप क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम?
मेरा नाम दिनकर सुरीला है और भोजपुरिया समाज को मैं नमस्कार करता हूँ। और मुझे मौका मिला इस फिल्म में काम करने के लिए, हमारे बड़े बड़े कलाकार इन लोगों के साथ हमको मौका मिला है काम करने के लिए, और सभी दर्शकों से मेरा धन्यवाद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए अब आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस फिल्म को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। हमारे सब भाई लोग हैं, इन पे प्यार कृपा बनाए रखिए, आप लोग बरसाते रहिए। एक बार प्रेम सुनो, हारे हारे हारे। बड़े भाई को नमस्कार है, जो अपने बड़े भाई को आज इतना मान सम्मान दिया है, मैं आप लोग का शुक्र गुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, लव यू, टेक केयर। सबसे पहले मैं अपने सभी भोजपुरिया समाज को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम हुआ अरविंद पांडे और आज एक बहुत ही अच्छी फिल्म का मुहूर्त हुआ है, जिस फिल्म का नाम है अनपढ़ दूल्हा बीए पास मेरी। क्या किरदार निभा रहा है इस फिल्म में? मैं सेकंड हीरो का किरदार निभा रहा हूँ। इस फिल्म को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि अनिल सर मुझे कास्ट किए हैं और हमारे प्रोड्यूसर सर जो भी हैं, पप्पू सर हैं और ओम प्रकाश सर हैं, सभी बहुत अच्छे हैं जी। इसके अलावा इसके पहले आपने क्या किया? इसके पहले मैं एक हिंदी टीवी सीरियल कर चुका हूँ, राधा कृष्णा, जो कि बहुत फेमस सीरियल रहा है वो, और कई सारे भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुका हूँ बड़े स्टार के साथ, लेकिन उसमें कैरेक्टर जो भी छोटा छोटा कुछ कैरेक्टर किया हूँ, साइड कैरेक्टर। और इस फिल्म में मैं सेकंड लीड कर रहा हूं, तो मैं बहुत खुश हूं इस फिल्म को लेके। तो मनुअल बेला जी फिल्म के हीरो हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, भैया के बारे में यही कहूंगा कि भैया के साथ ही मेरी पहली फिल्म है और भैया बहुत ही अच्छे हैं, और उनके साथ मेरा और उनका बड़े भाई छोटे भाई का एक जो कहानी है, दोनों का तालमेल मिल के हम अच्छे से काम करेंगे। बाकी आप सभी लोग जैसे भैया को आशीर्वाद देते हैं गाने के माध्यम से, वैसे भैया को फिल्म के माध्यम से आशीर्वाद दें और मुझे भी आशीर्वाद दें। फिल्म के डायरेक्टर अनिल राज जी के बारे में क्या? अनिल सर के बारे में यही कहूँगा, सर बहुत अच्छे हैं और सर के साथ मेरा ये दूसरी फिल्म है और उनके साथ मेरा एक घरेलू संबंध है काफ़ी दिनों से है। इसके पहले कौन से फिल्म के साथ किया था? इसके पहले हम एक फिल्म किए थे, परदेसी मेरा दिल ले गया जी। आगे इसके बाद सर के साथ और भी फिल्में हैं, बैक टू बैक हम लोग साथ में मिलके करेंगे। और अभी मेरा एक फिल्म आने वाला है प्रेम रंग, प्रमोद प्रेमी जी का वो फिल्म है, और एक फिल्म मेरा अभी और आने वाला है प्यार के परवाने, उसमें मेन हीरो समर सिंह है। तो इन दोनों फिल्मों में छोटा छोटा कैरेक्टर किया हूँ, और अभी पिछले महीने एक फिल्म करके आया हूँ अंजाम, तो उसमें भी बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है लेकिन एक छोटा कैरेक्टर किया हूँ। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? जी, दर्शकों से यही कहूँगा कि ये जो फिल्म है एक पारिवारिक फिल्म है, आप लोग परिवार में बैठ के देख सकते हैं। ऐसा जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में आती हैं, उसमें कुछ अश्लील भी फिल्में रहती हैं, कुछ साफ सुथरी फिल्में रहती हैं, लेकिन मैं दर्शकों से यही कहूँगा ये मेरी जो फिल्म आ रही है एक बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्म है, आप सभी लोग अपने परिवार के साथ बैठ के फिल्म को देख सकते हैं जी। मनोज जी, जैसे कि आज फिल्म का मुहूर्त हुआ है, बड़ा अच्छा टाइटल है, क्या कहना चाहें फिल्म के पूर्व साथ साथ बैठे हुए हैं? सबसे पहले तो देखने वाले हमारे जितने भी मीडिया, हमारे दर्शक, भगवान स्वरूपी श्रोता है, सबको दिल से लव यू प्रणाम। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मेरा इस फिल्म का बहुत ही प्यारी सी फिल्म है अनपढ़ दूल्हा बीए पास मेहरी, और साथ में हमारे बहुत ही अच्छे हमारे बड़े भाई पप्पू भैया जिस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और ओम प्रकाश भैया हैं, तो मैं सबका स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। इस फिल्म के राइटर हमारे रंजीत भैया हैं और निर्माता हमारे अनिल सर हैं, और हमारे आनंद भाई जो प्यार से हमको बड़े भैया कोबरा सर कहते हैं, तो सबका स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच बहुत ही प्यारी सी हीरोइन, फिर बगल में एक और हीरोइन, तो सबका स्वागत अभिनंदन है। और फिल्म के बारे में सोनी एंड पल्लवी, तो इस फिल्म के बारे में ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का टाइटल उस तरह का फिल्म है, और फिल्म जब पूरा बनेगी तो बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें रोमांस भी है, लव स्टोरी भी है, मारधाड़ भी है, एक्शन से भरपूर हर चीज़ है, फैमिली ड्रामा है, इसको आप कहीं भी देख सकते हैं इस फिल्म को, एकदम बहुत ही प्यार से फिल्म है, मतलब बढ़िया, काफ़ी काफ़ी इंटरटेनर फिल्म है और बड़ी मज़ा आएगा देखने में इसको। पप्पू जी,
क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम दर्शकों को प्रणाम करते हैं, और हमारी ये फिल्म है बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, और हमारे मोनू भाई के साथ काम करने का मज़ा ही अलग है, और इनके साथ मिला तो बहुत ही अच्छा लगा हमें, और बहुत ही मतलब जोश और पावर वाले हैं हीरो, और सब कुछ तो ठीक है। कहानी एक मतलब मिडिल क्लास की कहानी है, एक अनपढ़ दुल्हा बी ए पास मेरी, अभी सभी लोगों ने बताया आप लोग को, एक रोमांटिक फिल्म है और एक बहुत ही मतलब पारिवारिक फिल्म है। आप सभी आइए और दर्शकों आशीर्वाद दा देखा लोगन। और हमारे मिस्टर अनिल राज डायरेक्टर हैं, इनके साथ हम 3-4 पिक्चर कर चुके हैं और अभी ये करने जा रहे हैं, और बहुत ही हम चंदौली के ज़िला में, चंदौली ज़िला में हैं हम लोग इस टाइम, और बहुत ही जल्दी सिनेमा घरों में ये पिक्चर देखने को मिलेगी। और वो तीन फिल्मों के नाम बताना जो अनिल जी हैं। जी, एक फिल्म है सपना भइल सकार, और एक फिल्म है सैया सजना को भागी सजनी, और एक फिल्म अभी ये करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये फिल्म किए हैं। मतलब सर, तो मतलब सजना को सजनी भाग गई तो सपना साकार हुआ, तो अनपढ़ दूल्हा को ये पास मेरी मिल गई। हाँ, मतलब सजनवे पे चलल जाता है। देखिए नहीं, रात में पूरा तुकबंदी मिला के चल रहे हैं एकदम। ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तुकबंदी। नहीं, हम लोग की जोड़ी भी बहुत कर्मठ है, और कुछ लोग इस चीज को बड़ा मतलब ये कहते हैं कि मतलब जय बीरू का जोड़ी है। जय बीरू को हम लोग कुछ टाइम के लिए झगड़ा भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, और फिर 10 मिनट में एक हो जाए। लोग कहते हैं कैसा इंसान है यार, अभी झगड़े बोलेंगे नहीं, मगर हम लोग फिर वही एक हो जाते हैं, फिर हैरान हो जाते हैं। तो यही प्यार है, और जीवन में कुछ है नहीं, एक दिन सभी को जाना है भाई, जितना दिन काम कर लो अच्छे से काम करो, ठीक है। कभी झगड़ा कभी प्यार, तो ऐसा क्या है आप और डायरेक्टर साहब को प्यार में जो कंटिन्यू झगड़ा भी होता है और फिल्म भी बन रही है? देखिए, कुछ गलतियाँ अगर उनसे होती है तो बोलना पड़ता है, कुछ गलतियाँ हमसे होती है, ये तो काम है। भाई का जगह भाई का रिश्ता हमारा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि खून का रिश्ता हो, खून से ज़्यादा है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे जीवन निभाएं, ठीक है। आगे भी आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जोड़ी ऐसे? हाँ, बस ये नहीं कि सीरियल है, अब 4 फिल्म और साइन करा के रख ले ला, वो हो कि नहीं कि, ठीक है, करते रहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? और हमारे भाई, हमको तो फिल्मी लाइन में कोबरा जी बोलते हैं, हमारा काम है रेंगना। रेंगना नहीं, ये काम करना, ये हमारे जिसको बोलते हैं ना कंधा, स्तंभ है। हाँ, स्तंभ है, और इन्हीं का बंदूक, इन्हीं के बारूद चलाते हम हैं, ठीक है। क्या बात है, ठीक है। तो भाई, हमको अपना आशीर्वाद हरदम अपना हाथ मेरे सर पे रखे हुए हैं इस, ठीक है, और कहीं भी बुलाता हूँ कभी भी आंख बंद करके कोई नहीं पूछते, ठीक है। सर, क्या कहना चाहिए फिल्म को लेके? बस ये बहुत है बढ़िया कहानी, और इसमें का जो भी एक्टर है सब बहुत बढ़िया है, और विलन वगैरह जो भी है सब हमारे मार्केट के हैं। हीरो हीरोइन जोड़ी कैसे रंग जमाने? बड़ी झकास खोज करके लाए हम, सुपर है, एक से बढ़ के एक। पहले इनको रखने के लिए हम लोगों में पता नहीं हफ्तों मीटिंग हुआ है कि कैसे किया गया, हालांकि पहले इनके जगह पर एक और हीरोइन दूसरा लिए, और सबसे सुंदर में दिखाए, तो मेरे को लगा कि इसको रखने का बेनिफिट है। सबसे सुंदर बात तो सर ये है कि मतलब हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, उसमें मतलब पारिवारिक चीज़ है, मतलब ये नहीं है कि मतलब अश्लीलता यार ये नहीं है, और हमारा भाग्य है कि सर के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़े कलाकार हैं, ठीक है, बिहार का शेर जिसे बोला जाता है, ठीक है, मिस्टर मोनू अलबेला जी, ठीक है। सब तो आपकी बड़प्पन है सर, ये है, और इनके यहाँ मैं रहा हूँ। सभी एक्टर तो अपने जगह सही है, मगर जिससे जिसका मतलब काम है यही है। मैडम, प्रोड्यूसर साहब साथ में बैठे हुए, आप क्या कहना चाहेंगे प्रोड्यूसर के बारे में? पहले तो सारे दर्शकों को दिखने वाले प्रणाम, और बोलिए क्या कहना चाहेंगे प्रोड्यूसर की तारीफ में, कितना पुल मारने वाले हैं? धन्यवाद सर को कि जो इस फिल्म के लिए मुझे चुने हैं, और तो एक अच्छी फिल्म का पार्ट बनी है, तो किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? अरे, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस फिल्म के लिए मुझे चुने, और ये तो फिल्म करने के बाद अब पता चलेगा। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। पूरी टीम को किस तरह बधाई देना चाहेंगे, पूरी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो
बहुत ही अच्छे डायरेक्टर राज जी हैं, अनिल राज जी हैं, जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि ये स्टोरी है। तो और मैडम, मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे डायरेक्टर साहब को, रूपा साहब, सब लोग जो है फिल्म को लेके? जी, हमारे तरफ से फर्स्ट टाइम की धन्यवाद। बताइए बताइए, मतलब टीम आई है, फिल्म कंप्लीट हुआ है, किस तरह बधाई देना चाहेंगे, शुभकामना कहना चाहेंगे? शर्मा रही है, नहीं बताइए ना, बधाई और अच्छा है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के अच्छे फिल्म आई, मतलब नावल बहुत थैंक यू, मतलब बोला कि बहुत अच्छा है, बहुत ये फिल्म करके बहुत खुश है, इनकी खुशी चेहरे पे झलक रही है, आप लोग देख सकते हैं कि इतनी खुश है कि इनकी खुशी झलक रही है, और अपने खुशी से सबको स्माइल के साथ बधाई। अरे कम से कम धन्यवाद तो दे दो हम लोग को। एक जी, जैसे कि दिख रहा है अनपढ़ दूल्हा बीए पास मेहरी, तो इसमें क्या खेला करने वाले हैं, कितना अनपढ़ है, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म बहुत ही प्यारी है और इसका स्टोरी बहुत ही प्यारा है, और स्टोरी इसमें हम हैं अनपढ़ रहते हैं और मुझे एक लड़की से प्यार हो जाता है, बाकी बात तो पूरी फिल्म के बाद सबको पता चलेगा, पूरी स्टोरी तो मुझे भी पता नहीं है, बढ़िया सर मुझे सुनाया शॉर्टकट में, और काफ़ी अच्छी फिल्म है, और देखेंगे जब ये पूरी मूवी बनेगी तो काफ़ी मजा आएगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा हम लोग पूरे टीम का। तो ये चना बेचने का जैसे दिख रहा है, तो कितना एक्सपीरियंस है आपको? ये तो एक लुक वाला फोटो डाल दिया गया, इसी टाइप का मैं रहूँगा इस फिल्म में, इसके लिए ये पेस्ट किया गया है आपको फोटो, मतलब शूटिंग शुरू होने से पहले एक फोटो सेशन करके। हाँ। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी, ये पास पहले तो जितने लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम मेरा, और ये मूवी हम लोग करने जा रहे हैं, पूरा तो स्टोरी पता नहीं है, जो भी पता है इसमें है कि अनपढ़ दूल्हा बीए पास मेहरी, तो ये करके ये देख के पोस्टर देख के आप लोग समझ सकते हैं, और ये स्टोरी बहुत ही प्यारा है, और आगे हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे। तो इसमें हीरो के साथ कितना आप रोमांस का तड़का लगाने वाले हैं, कितना परेशान करने वाले हैं, नखरे दिखाने वाले हैं? वो तो जैसे होगा पर्दे पे जो मिलेगा रोल वो तो करेंगे ही ना। आपने क्या इरादा बनाया है मोनू जी के साथ? मोनू जी अलबेला हैं, तो आप कितना अलबेली बनने वाले इनके साथ? अरे ये एक्टर है, मैं एक्ट्रेस हूँ, जो काम मिलेगा हम लोग कंफर्टेबल होके काम करें एक दूसरे के साथ बढ़िया से। फिल्म के डायरेक्टर साहब बारे में क्या कहना? दिल के बहुत ही अच्छे हैं हमारे अनिल सर, मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूं, और ये मुझे लेकर के पहली फिल्म कर रहे हैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा है, उनके साथ मिले बातचीत किए अच्छा लगा, और मुझे भरोसा नहीं विश्वास है कि काफ़ी अच्छा फिल्म भी बनेगा। प्रोड्यूसर साहब का तो जोड़ा ही नहीं है, दिल के बड़ा ही रोमांटिक आदमी है, तो उनको भी दिल से प्रणाम मैं कहना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर तो हमारे लिए भगवान होते हैं, तो उनको सत सत नमन है। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जो हमें देख रहा है, मैं सबसे चरणों में प्रणाम करती हूँ, बाकी जो है सब अच्छा ही होगा, ज़्यादा तो हमें कुछ पता नहीं है सर इसके बारे में। साहब जी आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार प्रणाम। मैं क्या कहूँगा, जैसे हमारे मोनू भैया चना बेच रहे हैं, तो हो सकता है चना खरीदने वाला कोई चाहिए ना। तो ये मोनू भैया चना बेचेंगे, कुछ और बेचेंगे? नहीं नहीं, मोनू भैया चना बेचेंगे तो मैं खरीदने जाऊंगा। अरे खरीदेंगे और... हमारे सैनिक, हमारे आदमी लोग खरीदेंगे। ओह माय गॉड, अब अपने चक्कर में है। अच्छा इनका तो मैं ये कर रहा हूँ कि मोनू भैया के दोस्त का रोल में कर रहा हूँ, कॉमेडी वाला, तो आप लोग का प्यार चाहिए, और अनिल भैया इसके डायरेक्टर हैं। मैं बता दूँ कि अनिल भैया के साथ मैंने दो फिल्में किया, मुझे नहीं लगा कि मैं कहीं और फिल्म कर रहा हूँ, जिससे लगा कि मैं अपने परिवार के साथ मिलजुल के काम कर रहा हूँ, कम बेसी ऊपर नीचे सब चलता गया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल के बहुत अच्छे हैं। ओहो हो, कमाल है, मैं लव यू कहूँगा अनिल भैया को, जो इसमें इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले तो हम एक्टर रजनीश पाठक आप सब भोजपुरी भाई लोगों के दिल से प्रणाम, और जो आप फिल्म देख रहे हैं अनपढ़ दूल्हा बीए पास मेहरिया, आप हमारी हीरोइन को देखते हुए महसूस हम कर रहे हैं कि कास्टिंग बहुत प्यारा है, और हमारा दबंग भाई मोनू अलबेला जी, जो कि हम लोग का रिश्ता प्यार बहुत पुराना है, लेकिन पहली फिल्म हम साथ हाँ, सही, एक बड़े भाई एक छोटे भाई की तरह एकदम। तो और बाकी हमारे डायरेक्टर साहब अनिल राज जी,
जो मुस्कुराते रहते हैं, तो दूसरी फिल्म उनके साथ मैं जुड़ा हूँ। और पप्पू जी का तो कुछ नहीं कहना, पप्पू सिंघानिया जी बहुत ही अच्छे हमारे प्रोड्यूसर हैं, ओम प्रकाश चौधरी जी। तो कुल मिला के स्टोरी कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है और काम करने में मज़ा आएगा, टीम भी बहुत अच्छा है। लेकिन मज़ा आएगा कब, जब टीम पूरा एक परिवार मान के चले तब। तो हम तो सबको परिवार ही मानते हैं। और अभी हमारी क्या हमें मानेगा उसे? और आज मुहूर्त में पूरा टीम हमारी आई भी नहीं है, जब एक साथ हम लोग सेट पे रहेंगे तो काफी मजा आएगा काम करने में। मजा आने वाला है इस फिल्म में। जो फिल्म का बैनर आप देख रहे हैं, इस फिल्म में मैं बता दूं कि कुछ अलग करेक्टर होने वाला है, कुछ अलग फिल्म बनने वाला है, जैसे कि आजकल की जो फिल्में आ रही है ना, उससे कई गुना हट के फिल्म बनने वाला है। प्यार में एक्साइटमेंट ज्यादा इस मूवी में। वाह, बताइए, मुन्नू भैया बता रहे हैं कि प्यार में एक्साइटमेंट ज्यादा है। हाँ। जो अनपढ़ दूल्हा है वो लड़की के प्रति एकदम, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है वो, एकदम किसी भी तरह से वो लड़की को पा लेना है। तो ऐसी फिल्म है ये। और हम भी पाने वाला ही रोल निभा रहे हैं, जैसे हीरोइन को पाने का इच्छा, हम लोग भी कुछ कुछ हीरोइन है, विलन का काम ही क्या है, लास्ट में सब कुछ खो देता है वो अलग बात है। मैटर पाना है। हाँ, मैटर बस किसी तरह पाना है। हाँ, जिंदा रहेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, और जब मर जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छा, हमारा फैमिली बहुत अच्छा है। ये इस फिल्म को करते करते हम लोग कुछ और कर जाएंगे। हाँ। जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए पालेंगे। हाँ? पालेंगे एक अलग भोजपुरी इंडस्ट्री को पालेंगे। दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जैसे मुझे गाने के माध्यम से जितना प्यार आशीर्वाद मुझे आप लोग देते हैं, मिलियन पे मिलियन, बहुत सारे गाने 100 मिलियन हुए हैं, उसी तरह से फिल्म को भी आप लोग उतना ही प्यार आशीर्वाद दीजिए जैसे मुझे गाने के रूप में आप देखते हैं वीडियो में, और इसमें हीरो के रूप में आप देखेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। आप लोग जितने भी हमारे दर्शक भगवान स्वरूप श्रोता हैं, सबको दिल से लव यू, प्रणाम, हर हर महादेव। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जितने लोग देख रहे हैं और इस फिल्म को आप लोग देखिएगा, और जैसे हम दोनों को एल्बम में प्यार देते हैं, इनको भी, हमको भी, आप लोग देखिएगा, सपोर्ट करिएगा। इनके साथ एल्बम कर चुके हैं आप? नहीं, इनके साथ मैं एल्बम नहीं, फर्स्ट मुलाकात है। फर्स्ट मुलाकात। हाँ, प्यार परवान चढ़ने वाला है। करीब करीब सभी का पहला साथ में मुलाकात है फिल्म में। चलिए, सबको दिल से लव यू, प्रणाम। जो भी हमारे बॉलीवुड सिनेमा भोजपुरी कॉन्टेक्ट और देशी खबर देख रहे हैं, सबको दिल से लव यू, प्रणाम। और जो दो चार और भी होंगे, सभी चैनल जितने भी हैं, हमारे मीडिया वाले जितने भी हैं, सबको दिल से प्रणाम।